सुनीता राव, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुनीता, आप एक गायिका के रूप में जानी जाती हैं, तो क्या थिएटर आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप देख रहे हैं, टेक्निकल रिहर्सल चालू है लमांचा के लिए, मैन ऑफ लमांचा है इसका नाम। लेकिन इसके पहले 5 साल के लिए मैं थिएटर में थी, 83 से लेके 88 तक। मैंने एविटा, बॉटम्स अप, दे आर प्लेइंग आवर सॉन्ग, ग्रीस लाइटनिंग वगैरह वगैरह प्लेज किए हैं। मैन ऑफ लमांचा क्या एक म्यूजिकल है? जी हाँ, मैन ऑफ लमांचा एक म्यूजिकल है और इनमें इन बहुत बहुत अच्छे गाने हैं और ये कैरेक्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मेलोडीज़ बहुत अच्छे हैं, कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये करने में, मज़ा आ रहा है। इसमें से कोई गाना सुनाएंगे? हाँ, अभी तो मेरे मॉनिटर जो है इसमें कोई और गाना चल रहा है तो ओके, कोशिश करूँगी। जब आपने पॉप एल्बम्स बनाना शुरू किया था तब इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो आपको कैसा लगता है? कोई भी आर्टिस्ट कुछ भी करे, मेहनत से करे और लगन से करे तो इतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता जब और लोग आ जाते हैं मैदान में। मेरे ख्याल से मैदान बहुत ही बड़ा है और सब लोगों के लिए जगह है, और अगर और भी लोग आएँ और अच्छा म्यूज़िक बनाएँ तो अच्छा होगा, और जो इतना अच्छा म्यूजिक नहीं बना रहे हैं वो तो दे वोंट लास्ट इन एनी केस। सो आई थिंक इट्स गुड दैट देयर आर मोर एंड मोर पीपल जॉइनिंग द बिजनेस, इज एनकरेजिंग। उसका मतलब है और लोग हैं जो मेरे कैसेट्स खरीदेंगे। सुनीता, परी हूँ मैं गाने का ख्याल कैसे आया? जेनेसिस परी हूँ मैं का जेनेसिस, बाप रे, तो बहुत सालों की बात है। उसके बाद हमने कुछ और भी किए हैं लेकिन सब लोग परी के बारे में ही पूछते हैं, कोई बात नहीं। परी रिलीज़ हुई थी 91 में, धुआं एल्बम में था, और मेरे बहुत ही सारे म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस हैं और मैंने लेजली को ये म्यूज़िकल रेफरेंसेस दिए, और ये गाना जो है बिछुआ, मधुमति का जो गाना है, उसको लेके मैंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन हमने कुछ और ही बना दिया उसका और परी हूँ मैं पैदा हूँ। क्या आप हमें परी हूँ मैं थोड़ा सा सुनाएंगी? आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से, ना ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं मुझे ना छूना, परी हूँ मैं। और किन प्रोजेक्ट्स में आप व्यस्त हैं? हाँ जी, आजकल मैं नए एल्बम पर काम कर रही हूँ और इस बार कुछ अलग ही आप सुनेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ इस वक्त, लेकिन आप देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू वन आउट सून, वेट एंड वॉच। सुनीता, इतने सालों बाद थिएटर करते हुए कैसा लग रहा है? नहीं, पहले जब मैं थिएटर कर रही थी तब वो सिर्फ म्यूजिकल्स जैसे सॉन्ग एंड डांस, यू नो, बस उतना ही था। लेकिन ये जो है वो 10 साल की बात कर रही हूँ तो उतना और एक्सपीरियंस है मुझ में, और ये जो है ये एक्टिंग जो है वो मैं पहली बार सीरियस तरह से कर रही हूँ। इट इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत सारे फैसेट्स है इस कैरेक्टर के, और आई एम बेसिकली एन एक्ट्रेस एंड मुझे इसके पहले अपॉर्चुनिटी मौका नहीं मिला था करने के लिए, और ये इंस्टेंट फिक्स नहीं है। ये रिस्पांस जो है वो बहुत सारे शोज़ करने के बाद मिलता है, 25, 30, 40, 50। इट्स नॉट लाइक यू डू वन वीडियो एंड द होल नेशन गेट्स टू सी इट एट वन शॉट।
ये जो है एक एक शो में शायद एक 1,000, 2,000, 3,000 लोग मैक्सिमम देखेंगे और इवन दैट इज टू मच, लेट मी से 1,000 लोग देखेंगे. एंड लगातार करते करते रहना एवरी वीकेंड, दैट इज डिफिकल्ट बट इट्स एंजॉयबल. दहका दहका सुनाए. दहका, अरे बाप रे. दहका दहका है मेरी जदों का नशा, जान ले लेगा खातिलाना है, कत्ल करने की अदा बच न पाएगा तू यहाँ. सुनीता राव, सुबह सवेरे हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बाय बाय.